राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के लिए मंगलवार को जन चौपाल कार्यक्रम का, का आयोजन किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदक अपनी फरियाद लेकर जन चौपाल में पहुंचे और कलेक्टर को इस संबंध में आवेदन दिए इनमें से कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण भी किया गया कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जन चौपाल में ज्यादातर बीमा राशि नौकरी की मांग पट्टा राजस्व प्रकरण और बिजली समस्या को दूर करने की मांग के आवेदन मिले हैं हम लोग मंगलवार को समय सीमा की बैठक के बाद जन चौपाल रखते हैं और लोगों की समस्याओं का सुनकर निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं आज भी इसी अनुक्रम में ये आज हम लोगों ने आयोजित किया बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और समस्याओं का उनका निराकरण भी कर रहे हैं ज़्यादातर लोग नौकरी मांगने के लिए ज़्यादातर आज मैं देख रहा हूँ आवेदन आ रहे हैं नौकरी के लिए ज़्यादा लोग आवेदन दे रहे हैं और रेवेन्यू के जो कोर्ट में केसेस हैं उसको भी लोग लेकर आते हैं चूँकि वो न्यायालय में है तो उसमें बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते लेकिन हम लोग आवश्यक मार्गदर्शन जरूर देते हैं उसमें इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि चिटफंड कंपनी में अपने पैसे निवेश करने वाले निवेशकों को पैसे वापस कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अब तक जिले के सत्रह हजार से अधिक निवेशकों को करीब साढ़े तेरह करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं इसी कड़ी में सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले हितग्राहियों को सोलह सितंबर से निवेश की गई राशि लौटाई जाएगी स्पेशली राशि है और हम लोग शुक्रवार से उसको आरंभ करेंगे देना कुछ दस्तावेजी काम उसमें बचे हैं कुछ मिलान वाला बचा है पाँच से सात करोड़ अभी हमारे पास है उसमें तो शुक्रवार से हम भुगतान की कार्यवाही को शुरू करने जा रहे हैं जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि कंपनी के पात्र निवेशकों को सात करोड़ रुपए का भुगतान शुक्रवार को किया जाएगा इसके लिए अतिरिक्त दंडाधिकारी सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं